सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं, अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं, थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पेश है इंटेलेक्स के डिफरेंट वैरायटीज में उपलब्ध शानदार और बेहतरीन पेंट्स, जिसमें शामिल है एंटी क्रैक टेक्नोलॉजी से बना सिग्नेचर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लक्जरी इमर्शन पेंट, जो आपके घर को दे एक नया लुक। संपर्क करें 1-800-21-23-494 पर। यही हालत रानिया में है। जो रानिया में हमारा कैंडिडेट है, उसकी तो छवि अच्छी थी कि पूरा रानिया शहर जो उसके साथ लगा हुआ था, एक एक बच्चा बच्चा उसके लिए वोट मांग रहा था और बड़े मार्जिन के साथ जीत करके आया। उसके खिलाफ चार पार्टियां इकट्ठी हुई, बीजेपी, जेजेपी, कांडेवाली भी और उसके साथ साथ रणजीत अंकल भी, चारों इकट्ठे हो गए। और रणजीत अंकल ने तो यहाँ तक जाकर के भी धमकियां दी, आपने वीडियो सुना होगा। उन्होंने कहा कि भाई अगर मेरा प्रत्याशी हार गया तो फिर मैं भी अपना विधानसभा का क्षेत्र बदल लूंगा, फिर यहाँ से चुनाव नहीं लड़ूंगा। और ये भी कहा कि मैंने जो 28 करोड़ रुपए इस नगर पालिका के लिए मंजूर कराए मुख्यमंत्री से, उनमें से एक पैसा यहाँ खर्च नहीं करने दूंगा। और लोगों को ये भी कहा कि मेरी कोठी में नहीं बढ़ने दूंगा। एक पुराना थानेदार रिटायर हुआ हुआ था, उसको ला करके बिठा दिया थानेदार को, साधुराम नाम था उसका, वो भी वोट मांग रहा था। साधुराम भी पूरा प्रचार कर रहा था, लगा हुआ था जोर शोर से, उसके बावजूद लोगों ने जो है उन्होंने भी 2 करोड़ से ज़्यादा रुपया बंटा। और उनके भी जहाँ जहाँ पैसे बंटे, वहाँ वहाँ लोगों ने उनका भी काम ठीक ठाक कर दिया। जैसे मेरे इलाहाबाद हल्के में मुझे हराने के लिए इन्होंने पैसा बांटा था, लोगों ने पैसे भी लिए और सबक भी सिखाया, इसी तरह इनको भी सबक सिखा दिया अपने ज़िले में। मान के चलो वो राजनीतिक पार्टी ताकतवर होती है जिस पार्टी के लीडर का जिला सबसे ज़्यादा मजबूत हो। मुख्यमंत्री का जिले में दिवाला पिट गया, जेजेपी बीजेपी का दिवाला पिट गया और उसके साथ साथ कांग्रेस का दिवाला पिट गया। अगर सबसे मजबूत पार्टी के रूप में किसी जिले ने ताकत दी है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को दी है। मैं किसी पे गलत आरोप नहीं लगाता, मैं हमेशा खुल करके जो सही बात है उसको खुल करके लोगों के सामने रखता हूँ। चौधरी रणजीत सिंह ने भी पैसा बांटा, अगर वो इस बात का खंडन करेंगे कि मैंने पैसा नहीं बांटा, तो मैं उस आदमी को ला करके खड़ा कर दूंगा जिससे पैसा लिया गया चुनाव के समय में, और जिससे जो लेकर के आया वो बता देगा कि इस आदमी ने मेरे से आकर के रणजीत सिंह जी के फोन पे पैसा लेकर के गया। सर आरोप नहीं लगाता मैं किसी पर। यही हालत रानिया में है। जो रानिया में हमारा कैंडिडेट है, उसकी तो छवि अच्छी थी कि पूरा रानिया शहर जो उसके साथ लगा हुआ था, एक एक बच्चा बच्चा उसके लिए वोट मांग रहा था और बड़े मार्जिन के साथ जीत करके आया। उसके खिलाफ चार पार्टियां इकट्ठी हुई, बीजेपी, जेजेपी, कांडेवाली भी और उसके साथ साथ रणजीत अंकल भी, चारों इकट्ठे हो गए। और रणजीत अंकल ने तो यहाँ तक जा करके भी धमकियां दी, आपने वीडियो सुना होगा। उन्होंने कहा कि भाई अगर मेरा प्रत्याशी हार गया तो फिर मैं भी अपना विधानसभा का क्षेत्र बदल लूंगा, फिर यहाँ से चुनाव नहीं लड़ूंगा। और ये भी कहा कि मैंने जो 28 करोड़ रुपए इस नगर पालिका के लिए मंजूर कराए मुख्यमंत्री से, उनमें से एक पैसा यहाँ खर्च नहीं करने दूंगा। और लोगों को ये भी कहा कि मेरी कोठी में नहीं बढ़ने दूंगा। एक पुराना थानेदार रिटायर हुआ हुआ था, उसको ला करके बिठा दिया थानेदार को, साधुराम नाम था उसका, वो भी वोट मांग रहा था। साधुराम भी पूरा प्रचार कर रहा था, लगा हुआ था जोर शोर से, उसके बावजूद लोगों ने जो है उन्होंने भी 2 करोड़ से ज़्यादा रुपया बंटा। और उनके भी जहाँ जहाँ पैसे बंटे, वहाँ वहाँ लोगों ने उनका भी काम ठीक ठाक कर दिया। जैसे मेरे इलाहाबाद हल्के में मुझे हराने के लिए इन्होंने पैसा बांटा था, लोगों ने पैसे भी लिए और सबक भी सिखाया, इसी तरह इनको भी सबक सिखा दिया अपने ज़िले में। मान के चलो वो राजनीतिक पार्टी ताकतवर होती है जिस पार्टी के लीडर का जिला सबसे ज़्यादा मजबूत हो। मुख्यमंत्री का जिले में दिवाला पिट गया,
जेजेपी बीजेपी का दिवाला पिट गया और उसके साथ साथ कांग्रेस का दिवाला पिट गया। अगर सबसे मजबूत पार्टी के रूप में किसी जिले ने ताकत दी है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को दी है। मैं किसी पे गलत आरोप नहीं लगाता, मैं हमेशा खुल करके जो सही बात है उसको खुल करके लोगों के सामने रखता हूँ। चौधरी रणजीत सिंह ने भी पैसा बांटा, अगर वो इस बात का खंडन करेंगे कि मैंने पैसा नहीं बांटा तो मैं उस आदमी को ला करके खड़ा कर दूंगा जिससे पैसा लिया गया चुनाव के समय में, और जिससे जो लेकर के आया वो बता देगा कि इस आदमी ने मेरे से आकर के रणजीत सिंह जी के फोन पे पैसा लेकर के गया। सर, आरोप नहीं लगाता मैं किसी का।